अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मेमन फ्यूजन। तो आज हमारे किचन में बन रहा है शीर खुरमा, क्योंकि आज है चांद रात। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो चांद रात वाले दिन वैसे तो बहुत लोगों की मसरूफियात होती है, कोई मेहंदी लगवाने जाता है, तो कोई अपने कुकिंग कर रहा होता है अपने किचन में, या कोई ईद की तैयारी कर रहा होता है, कुछ भी होता है। तो मुझे भी फ़ातिमा ने जो है वो ज़बरदस्ती मेहंदी तो लगा दी थी एक हाथ पे, लेकिन इंशाल्लाह मैं कल ज़रूर लगवाऊंगी मेहंदी। जब सारी मेहंदी वाली बिल्कुल फारिग हो जाएंगी तब मैं लगवाऊंगी। तो चलिए अभी हम आपके साथ, अच्छा सबसे पहले मैं आपको अपनी मेहंदी दिखा देती हूँ जो फातिमा ने लगाई थी। वो बहुत ज़िद कर रही थी कि आप सबको दिखाइएगा, तो ये मैंने लगाई थी मेहंदी। तो चलिए अभी हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। शीर खुरमे के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे दूध लिया है, मिल्क पैक का पैकेट वाला। अगर आप चाहें तो खुला भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने दो पैकेट यूज़ किए थे जो कि एक किलो का था, तो मैंने दो इस्तेमाल किए। तो उसके बाद हम ये लेंगे, आप चाहें तो कोई सा भी मिल्क ले सकते हैं। उसके बाद हम इसको अच्छे से बॉयल कर लेंगे। दूध में जब बॉयल आ चुका था उसके बाद मैंने इसमें ऐड की थी तकरीबन 1.5 कप मैंने चीनी ऐड की थी। अच्छा ये चीनी कम थी, अगर आप चाहें तो इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आप लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं। यहाँ मैंने कंडेंस मिल्क जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। क्रीम का जो पैकेट होता है उसमें से मैंने हाफ़ लिया है, हाफ़ मैंने पैकेट इसमें डाला है। इससे हमारा शीर खुरमा बहुत ज़्यादा क्रीमी बनेगा। और यहाँ मैंने जो एक पैकेट होता है पूरा सेवइयों का, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। इसके बाद हम इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक पकाते रहेंगे। और यहाँ मैंने बादाम पिस्ते लिए थे जिसको मैंने पहले बॉईल कर लिया था और उसको अच्छे से बारीक कट कर लिया है, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। 1/2 टीस्पून हम इसमें इलायची पाउडर इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने कुछ बादाम पिस्ते थे जिसका पाउडर बना लिया था, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। आप चाहें तो इसके अंदर और भी ड्राई फ्रूट वग़ैरह ऐड कर लीजिएगा, और लेकिन ये इससे ही बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनता है और एकदम क्रीमी बनता है, क्योंकि हमने इसमें कंडेंस मिल्क और क्रीम डाली है, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अच्छा। अभी आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ऊपर बिल्कुल क्रीम बन चुकी है। उबाल आने तक तकरीबन हमने इसको 5 मिनट और पकाया है और ये अच्छे से तैयार हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।